आ चुका हूं इंडिया की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली ऑफरोडिंग एसयूवी, जिसको आप लोग एडवेंचर का नाम होते ही उस गाड़ी का नाम आ जाता है, और वो गाड़ी है महिंद्रा थार। तो मैं मिलवाने वाला हूं राहुल भाई को महिंद्रा थार से। पहले तो राहुल भाई, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। तो राहुल भाई, हम लोग को हमेशा की तरह आज असिस्ट करेंगे इस महिंद्रा थार के नए एडिशन के बारे में बताने के लिए। इसके अंदर काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं नॉर्मल थार के मुकाबले। क्या चेंजेस आए हैं, क्या लुक्स मिल रहे हैं, क्या फीचर्स मिल रहे हैं, क्या इंजन स्पेसिफिकेशंस मिल रही है, और कितने प्राइस पर इस गाड़ी को ऑफर किया गया है, सारी डिटेल्स बताऊंगा मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज और आज हम लोग बात करने वाले हैं द ऑल न्यू महिंद्रा थार अर्थ एडिशन के बारे में। की तरह बात करते हैं इस गाड़ी के लुक्स एंड डिजाइन के बारे में। तो राहुल भाई, इसके अंदर क्या सारी चेंजेस किए गए हैं लुक्स एंड डिजाइन के मामले में? अर्थ एडिशन के अंदर, थार के अंदर जो लुक्स की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले कलर की बात करते हैं। तो जो न्यू कलर लॉन्च किया कंपनी ने, इसका नाम है डेजर्ट फ्यूरी कलर। ठीक है, ये मैट फिनिश कलर में आता है, काफी अट्रैक्टिव कलर है सर। साथ ही साथ में जो महिंद्रा का जो लोगो है, जो नाम है महिंद्रा का, ये सर मैट ब्लैक फिनिश में दिया हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ डेजर्ट फ्यूरी कलर से जो फ्रंट ग्रिल जो है वो भी दी हुई है सर, डेजर्ट फ्यूरी कलर दिया हुआ है सर इसके अंदर। और साथ में अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, तो साइड में भी आपको डेकल्स मिल जाते हैं जो कि कार के लुक को एनहांस करते हैं सर अर्थ एडिशन के लिए। और जो थार की बैजिंग है, ये भी आपका ब्लैक मैट फिनिश में आ जाता है सर। और साथ में यहाँ पर हम आपको बैजिंग देते हैं थार अर्थ एडिशन की, जो अगेन बहुत ही अच्छी लग रही है। गोल्डन कलर के साथ यहाँ पर अर्थ बैजिंग भी दी गई है और कलर के अंदर काफी अच्छा इंटीग्रेट किया गया है। यहाँ पर डिकैल्स हैं और यहाँ पर ब्लैक कलर का लोगो है। अलॉय व्हील्स की बात करेंगे, क्या उसमें के अंदर भी कुछ इंडिकेशन किया गया है? अलॉय व्हील है वो जो हमारी 4x4 व्हीकल्स और जो थार के सारे वेरिएंट्स में आता है जी, वो सेम टू सेम है। बट जो थार की बैजिंग आती है सर अलॉय व्हील के अंदर, ये सर सेम इस कलर के साथ ही आ रही है, जो कि डेजर्ट फ्यूरी कलर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोग गोल्डन इंटीग्रेशन देख सकते हैं, जो कि अर्थ एडिशन को डिनोट कर रहा है। रियर साइड में अगर चलते हैं, यहाँ पे साइड प्रोफाइल की अगर बात करें, जैसे कि मैंने बताया कि अर्थ एडिशन सिर्फ 4x4 में आता है, तो जो 4x4 का जो यहाँ पे बैजिंग दे रखी है वो भी मैट ब्लैक फिनिश में दी हुई है सर। ठीक है, साथ में अगर रेयर की बात करते हैं सर, तो रेयर के अंदर जो व्हील है उसके अंदर भी सर ये गोल्डन इंटीग्रेशन में थार लिखा हुआ है, गोल्डन इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग पीछे देख रहे हैं कि पीछे आप लोग को इस तरीके से हैंडल मिलता है जो बाकी इस गाड़ियों में मिलता है, और थार के अंदर आप लोग को यहाँ पर टेल लाइट मिल रही है जो आप लोग को नॉर्मल मिलती है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बाकी कलर वाइज चेंजेस है, डिकैल्स नए आ चुके हैं, कॉस्मेटिकली थोड़ा सा गाड़ी को अपग्रेड किया गया है, जहां पर ग्राफिक्स वगैरह लगा दिए गए हैं। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं राहुल भाई, थोड़ा दिखाते हैं कि अंदर क्या चेंजेस किए गए हैं। आइए हम लोग गाड़ी के अंदर चलते हैं। इसके अंदर सर इंटीरियर की अगर हम बात करते हैं, तो डेजर्ट फ्यूरी कलर से ही स्टेयरिंग के ऊपर हाईलाइट दिए हुए हैं, एसी नॉब्स के ऊपर हाईलाइट दिए हुए हैं डेजर्ट फ्यूरी कलर से ही। ठीक है, साथ ही साथ 4x4 थार के अंदर जो जो डेजर्ट फ्यूरी कलर में नहीं आती कार, मतलब जो अर्थ एडिशन नहीं है, उसके अंदर आपको फैब्रिक सीटी मिलती है, यहाँ पर आपको लेदर अपोस्ट्री मिलती है जो कि डेजर्ट फ्यूरी कलर से ही है। अगर आप रेयर सीट्स की बात करते हैं, फ्रंट की बात करते हैं, इसमें ब्लैक एंड डेजर्ट फ्यूरी कलर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। साथ में हमें कुछ डिजाइन आपको हेडरेस्ट पे भी मिल जाता है जो कि अर्थ एडिशन को प्रेजेंट करता है सर। ठीक है, तो अंदर भी आप लोग को चेंजेस दिख रहे हैं, इंसर्ट्स यहाँ पर गोल्डन कर दिए गए हैं, यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील पर भी, चाहे वो एसी वेंट्स हो, और पूरी अपोस्ट्री जो है यहाँ पर गोल्डन कलर से हो चुकी है, जो कि अर्थ एडिशन के लिए ही स्पेशल है। तो अंदर भी चेंजेस किए गए हैं लुक्स में और बाहर भी चेंजेस किए गए हैं। अब बात करते हैं राहुल भाई, ये गाड़ी जो है अर्थ एडिशन, इसके अंदर कौन सा इंजन अवेलेबल है, किस फ्यूल टाइप में आ रही है, और क्या इसके अंदर कैपेबिलिटीज वगैरह मिलती है? अर्थ एडिशन के अंदर, जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ 4x4 के अंदर आती है, हमारी थार 4x2 में भी आती है, बट अर्थ एडिशन चाहिए आपको तो 4x4 में ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, ये सर ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों में आती है, पेट्रोल और डीजल दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक मैनुअल और इंजन कौन सा मिलता है, कितनी पावर परफॉर्मेंस मिलती है? पेट्रोल की अगर हम बात करते हैं, तो 2 लीटर का इंजन मिल जाता है सर इसके अंदर। ठीक है, और डीजल की बात करते हैं 2.2 लीटर का एमहॉक इंजन मिल जाता है, और पेट्रोल में एम स्टेलियन इंजन है। ठीक है, तो इसके अंदर फ्यूल आपको पेट्रोल भी मिल रहा है, डीजल भी मिल रहा है, चॉइस आपकी है, जिस तरह का ड्राइविंग स्टाइल चाहिए, जिस तरीके से रगेडनेस चाहिए, डीजल ले सकते हैं आप लोग को, जहां पर ज्यादा पंची टॉर्की इंजन मिल जाता है, और अगर आप लोग पेट्रोल चाहते हैं तो आप लोग पेट्रोल भी ले सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो हमने इंजन की तो बात कर ली कि इंजन काफी सारी चीजें के अंदर मिल रही है, फ्यूल डीजल में भी मिल रहा है और पेट्रोल का भी ऑप्शन मिल रहा है। फीचर्स वाइज बात करेंगे कि राहुल भाई, फीचर में कोई अपग्रेड किया गया है या फिर किस तरह के फीचर ऑफर किए जाते हैं गाड़ी में? फीचर्स जैसे मैंने आपको बताया कि सारे फीचर्स तो है ही, जो मैंने अभी आपको दिखाया था अर्थ एडिशन के अंदर। ठीक है, बट जो फीचर्स इसमें पहले से आ रहे हैं, जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस किए गए थे। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करेंगे सर, ऑफ रोड डिस्प्ले म्यूजिक सिस्टम के अंदर शो होता है सर इसके अंदर, और म्यूजिक सिस्टम की बात करते हैं तो
स्पीकर फोर स्पीकर के साथ आ जाता है, जो कि सेगमेंट की कार में म्यूजिक सिस्टम नहीं होता, जिसमें आपको म्यूजिक सिस्टम भी मिलता है साथ में। एयरबैग की बात करते हैं सर, तो इसमें दो एयरबैग्स आ जाते हैं सर, दो एयरबैग्स आ जाते हैं सर इसके अंदर, ठीक है। और साथ में सर इलेक्ट्रिक एसी ऑप्शन अवेलेबल है सर, इलेक्ट्रिक एसी आ जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एसी आ जाता है इसके अंदर। और ये आपका सर शिफ्टर आ गया सर इसके अंदर, आपको 4x4 लगाने में आपको हेल्प मिलती है, 4H 4L का ऑप्शन दिया हुआ है सर। साथ ही दो पावर विंडोज आ जाती है सर इसके अंदर, ठीक है। और स्टेयरिंग पावर स्टेयरिंग है, जो कि हाइड्रोलिक में आता है, ठीक है। तो काफी सारे फीचर्स मिल रहे हैं जो कि ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज के लिए बहुत बहुत जरूरत रहती है। और थार एक ऐसी गाड़ी है जो आप लोग को अच्छे फीचर तो ऑफर करती ही है, बल्कि ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज भी बहुत अच्छी ऑफर करती है। कैसी, क्या डिफरेंट है नॉर्मल एसयूवी से थार के अंदर, क्यों ऐसी यूएसपी बनी हुई है कि लोग थार बहुत पसंद करते हैं, जरा इसकी कैपेबिलिटीज के बारे में बताइए सर। अगर हम बात करते हैं तो कैपेबिलिटी की, थार दूसरी कार से अलग क्यों है जी? पहला तो सर इसका डिजाइन जो है कि आइकॉनिक डिजाइन है, ठीक है। कार की जो लुक है जी, जो कार की जो लुक है वो आइकॉनिक डिजाइन से, जब महिंद्रा ने जी विली लॉन्च करी थी सर 1947 के अंदर, जब से इस कार का डिजाइन कहीं ना कहीं उस कार के डिजाइन से मैच करता है सर, इसलिए ये ज्यादा फेमस है कार, ज्यादा लोग पसंद करते हैं इसको, ठीक है। साथ में अगर हम कैपेबिलिटी की बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया सर कि 2.2 लीटर का इंजन आता है, जो कि बहुत पावरफुल टॉर्की इंजन है सर। साथ ही साथ आपको रियर व्हील ड्राइव मिलती है सर, अच्छा। रियर व्हील ड्राइव के साथ साथ ये 4x4 का भी ऑप्शन अवेलेबल है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको हर जगह पे आपको ड्राइव करने में इजी मिलता है, जैसे कि आप पहाड़ी इलाकों पे गाड़ी ले जाते हैं, मडी एरिया है ज्यादा सर, फॉरेस्ट है वहां पर भी आप, या फिर डेजर्ट है, आप जहां पर भी गाड़ी लेके जाएंगे ये गाड़ी आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेगी, आप कहीं पर भी लेके जाइए गाड़ी को, इजीली जाइए इजीली आइए, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी वजह यह है थार को खरीदने की, कि थार का जो आइकॉनिक पहचान थी महिंद्रा ने वो नहीं खोई है। बहुत से ब्रांड क्या करते हैं, जब गाड़ी को अपग्रेड करते हैं तो बिल्कुल ऐसा फेसलिफ्ट ले आते हैं कि उसमें कोई सिमिलैरिटी रहती नहीं है, बट थार के अंदर क्या है कि वही डिजाइन को थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, बट जो आइकॉनिक स्टाइल है, थार की जो वाइब है वो मेंटेन है, क्लासिक लुक थार के अंदर मिलता है। दूसरा, इसके अंदर आप लोग को ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज मिलती है, जैसे कि भाई ने बताया कि इसके अंदर आप लोग ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। 4x4 इस वाले एडिशन में मिलता है, अर्थ एडिशन में, बाकी नॉर्मल थार लेंगे तो आपको वहां पर 4x2 का भी ऑप्शन मिल जाता है। बाकी गाड़ी के अंदर आप लोग को अप्रोच एंगल, यहां की भी जो हाइट होती है वो भी बहुत अच्छी मिलती है, डिपार्चर एंगल, जो कि गाड़ी को अगर आप लोग ऑफ रोडिंग करते हैं तो बहुत जरूरत रहती है, क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मल एसयूवी में बंपर वगैरह लड़ जाता है, बट थार में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि थार में कैपेबिलिटीज अच्छी मिलती है। साथ में अगर आप लोग वाटर वेडिंग कैपेसिटी भी देखें तो गाड़ी की काफी अच्छी मिलती है। आप लोग कहां तक गाड़ी को अंदर ले जा सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा सकता हूं। तो राहुल भाई जरा बताइए, वाटर वेडिंग कैपेसिटी गाड़ी की कितनी रहती है? लगभग 550 mm की होती है, जो इतना होता है सर, ठीक है। इंटीरियर में पानी नहीं आता, अंदर पानी नहीं आएगा सर, ठीक है। और गाड़ी को आप इजीली निकाल सकते हैं, बिल्कुल। और जैसे कि मल्टी लिंक सस्पेंशन आते हैं तो ये भी आपको हेल्प करते हैं गाड़ी को ऑफ रोडिंग के टाइम पे ड्राइव करने में। और अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं सर, तो ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी अच्छी दी जाती है सर इसके अंदर, बिल्कुल। तो काफी अच्छी ग्राउंड, आप लोग देख सकते हैं कि मेरे नी तक यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। आप लोग ऐसे पैर रखे, ऊपर पैर रख के गाड़ी के अंदर जाते हैं तो आप लोग को एक फील आता है कि आप लोग काफी ऊंची गाड़ी में बैठे हुए हैं, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा मिल रहा है, वाटर वेडिंग कैपेसिटी अच्छी मिल रही है, एंगल्स काफी अच्छे मिल रहे हैं, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी मिल रही है। तो यही है यूएसपी। अब कोई अगर आपसे पूछे कि थार क्यों लेनी है, थार तो नॉर्मल एसयूवी है, बट आप ये समझिए नॉर्मल नहीं है, ये एक एबनॉर्मल एसयूवी है, क्योंकि ये बहुत ही बिग डैडी ऑफ एसयूवी है एक्चुअल में, जो कि बिग डैडी है। वैसे तो स्कॉर्पियो एन को कहा जाता है, बट ये एक कैपेबिलिटीज वाइज बहुत ही अच्छी एसयूवी है। अब बात करेंगे अर्थ एडिशन में चेंजेस कॉस्मेटिकली करे गए हैं, एक्सटीरियर में किया गया है, इंटीरियर में अपहोस्ट्री चेंज कर दी गई है, बट अगर बात करें इंजन में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, वही सेम इंजन थार के अंदर जो दिया जाता था वो इसके अंदर मिलता है, पेट्रोल भी डीजल भी। कैपेबिलिटीज की बात करें तो इसके अंदर आप लोग को 4x4 स्टैंडर्ड दिया गया है, अगर आप 4x2 लेना चाहें तो आप लोग थार में ले सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, प्राइस चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है अर्थ एडिशन का? ज्यादा नहीं चेंजेस हुए सर, नॉर्मल लगभग 40-45 हज़ार रुपए का फर्क आता है सर आपको, ठीक है, नॉर्मल से अर्थ एडिशन पे आने के। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोग थार के नॉर्मल कलर्स कितने आते हैं, थार में नॉर्मल कलर की हम बात करते हैं तो सर ब्लैक कलर, ठीक है, व्हाइट कलर, एक्वा मरीन कलर आ जाता है सर इसके अंदर, साथ ही सर इसमें आपको सिल्वर ग्रे कलर मिल जाता है, गैलेक्सी ग्रे कलर जो, ठीक है। टोटल कितने कलर मिलते हैं? 5-6 करोड़ ऑप्शन मिलते हैं, 5 करोड़ आ जाते हैं इसके अंदर। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोग नॉर्मल थार से हटके कुछ अलग एडिशन लेना चाहते हैं, जहां पर आप लोग को एक अलग वाइब मिले डेजर्ट वाली, तो फिर आप लोग अर्थ एडिशन के लिए जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ऑप्शन है, 40-45 हज़ार रुपए का डिफरेंस आया, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है एक डिफरेंट एडिशन की और डिफरेंट कलर वाली गाड़ी लेने के लिए, जो कि आप लोग ऐसे ही खर्च कर देते हैं, तो मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगर आपको ये गाड़ी लेनी है तो आप लोग को कहां आना पड़ेगा? राहुल भाई से मिलना पड़ेगा। राहुल भाई कहां मिलेंगे, राहुल भाई बताएंगे? मालवा महिंद्रा करोलबाग, ठीक है। तो मालवा महिंद्रा करोल बाग आइए न्यू दिल्ली में, और आपको स्क्रीन पर नंबर्स दिख रहे हैं, यहाँ पर रीच करिए। कोई भी क्वेरीज हैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, राहुल भाई या शोरूम के किसी भी बंदे से बात करिए, बट राहुल भाई से जरूर मिलिए, क्योंकि सेल्स में आप लोग को ये मदद कर सकते हैं, क्योंकि काफी अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। तो आज की स्पीडो में यही था राहुल भाई, थैंक यू सो मच हमारे साथ
स्क्रीन शेयर करने के लिए, हमारे साथ चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। उम्मीद है कि आपको शॉर्ट एंड सिंपल सी वीडियो पसंद आई होगी, जहां पर हमने इस नए अर्थ एडिशन के बारे में डिटेल्स शेयर करी हैं। और भी महिंद्रा की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल पर चेकआउट करिए, पूरा प्राइस लिस्ट भी अवेलेबल है। और एसयूवी 400 जो कि इनकी एक्सक्लूसिव फर्स्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी है महिंद्रा की तरफ से, उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो मिल जाएगी। बाकी वीडियोस देखनी है, ड्राइव रिव्यूज देखने हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आप लोग को मिल जाएंगे। कोई क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में लिखिए, या फिर राहुल भाई से बात करके आप लोग अपनी क्वेरीज को दूर कर सकते हैं और गाड़ी को बुक करवा के आप लोग परचेज भी कर सकते हैं। टेस्ट ड्राइव के लिए भी गाड़ी अवेलेबल है, अवेलेबल टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी इजीली अवेलेबल है। कितनी वेटिंग पीरियड है महिंद्रा थार में? महिंद्रा थार में 4x4 आपको 1 से 1.5 महीने में मिल जाती है, और 4x2 के अंदर 4 से 5 महीने लग जाते हैं। तो 4x2 लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड में है, क्योंकि सिटी में लोग 4x2 प्रेफर करते हैं, तो आप लोग को 3 से 4 महीने लगता है। और अगर नॉर्मल 4x4 कैपेबिलिटी वाली गाड़ी चाहिए, जहां आप लोग को ज्यादा थोड़ा रगड़नेस एडवेंचर के लिए जाना है, तो आप लोग को 1 से 1.5 महीने में गाड़ी मिल जाएगी। बाकी डीलरशिप की अवेलेबिलिटी के ऊपर होता है, आप लोग कॉल करके पता कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में यही था, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।